सत्र का 16वां दिन है और कार्यवाही शुरू होने के पहले विधानसभा के बाहर वाम दल और आरजेडी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध के खिलाफ आरजेडी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और विधानसभा में कोरोना के दौरान प्राइवेट स्कूलों की ओर से फीस वसूलने का भी मामला उठाया। बता दें कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, इससे अभिभावकों को काफी परेशानी हो रही है। तो बता दें कि आज विधानसभा के बजट सत्र का 16वां दिन है और आज सदन के बाहर जमकर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें आरजेडी और वाम दल के कई विधायक शामिल थे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर जमकर नारा लगाया गया। इसके साथ ही आज आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने यह कहा कि स्कूल में जिस तरह से कोरोना के दौरान स्कूल की फीसों में बढ़ोतरी हुई है और अभिभावकों से फीस वसूला गया है, वो गलत है और उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रदेश में बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाया और इसको लेकर आज जमकर नारेबाजी की गई। सदन के बाहर ये भी कहा गया कि अपराध मुक्त बिहार कब बनेगा। तो आज विपक्ष ने लगातार जमकर प्रदर्शन किया। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा के बाहर की, जहां आज सदन के बाहर जमकर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें वाम दल और आरजेडी के विधायकों ने हिस्सा लिया। वहीं विधानसभा में कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने फिर से विपक्ष से आसन का सम्मान करने की अपील की और उसके साथ ही आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने शिक्षा मंत्री को जमकर घेरा। सदन में AIMIM विधायक अख्तरुल इमाम ने विजय चौधरी से उर्दू को अनिवार्य श्रेणी में जोड़ने की मांग भी की। मैं माननीय मंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने जवाब दिया है कि बिहार में सर उर्दू दूसरी सरकारी जबान है और मंत्री जी महोदय ने कहा कि हाँ उर्दू MIL के तौर पर मैट्रिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत मातृभाषा के विषयों यथा हिंदी, उर्दू, बंगला एवं मैथिली और द्वितीय भाषा के विषयों यथा संस्कृत। सर मैं पूछ रहा हूँ कि इसको पढ़ाया जाएगा, लेकिन सर अभी इन लोगों ने एक लेटर निकाला है शिक्षा विभाग ने, 799 लेटर नंबर है 2020 और उसमें लिखा है इसने कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के मानक मंडल इसने बनाया है और उसमें उर्दू का नाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हर एक स्कूल में उर्दू के टीचर की बहाली होगी, उर्दू दूसरी सरकारी भाषा है। पूरक पूछेंगे, तीसरी बार पूछ रहे हैं। सर मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, क्या अन्य भाषा की कोटी से हटाकर इसको लेटर नंबर 799 में शुद्धि करते हुए उर्दू को भी उसको जोड़ने का विचार रखते हैं माननीय मंत्री? महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हम आभारी हैं जो हमने आपका उत्तर दिया है और हम ही नहीं, सरकार ही नहीं, ये सदन ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता आपकी आभारी रहेगी कि जो प्रश्न आपने पूछा है, आप अन्य विषय की बात करते हैं, उर्दू मातृभाषा की श्रेणी में शामिल है। अभी जो सरकार के और हमारा BSEB का पाठ्यक्रम है उसमें जिस तरीके से हिंदी है उसी श्रेणी में उर्दू को रखा गया है, मातृभाषा की श्रेणी में, इसलिए उसको। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के महोदय, हम आसन से भी मतलब ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो माननीय सदस्य ने पूछा है, हमसे भी कई लोगों ने पूछा है, ये महोदय आश्चर्य का विषय होता है जब इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, न कोई लेटर निकला है, अभी तुरंत जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उसमें महोदय 22 फरवरी को अभी जो खत्म हुआ है उसमें मातृभाषा के रूप में, अनिवार्य भाषा के रूप में उर्दू की परीक्षा ली गई है। फिर उर्दू को अनिवार्य श्रेणी से हटाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है और आप अन्य विषय की बात क्या करते हैं। उर्दू को तो हम लोगों ने हिंदी के बगल में मातृभाषा की श्रेणी में रखा है, इसलिए कहीं भेदभाव की बात नहीं है, सिर्फ भ्रामक और दुष्ट।